हाय एवरीवन। तो यार इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वॉलमार्ट लैब्स के डिटेल सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो यार वॉलमार्ट लैब्स का जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा है, बट काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो वेरिएबल हैं। सो वी विल बी लुकिंग एट एवरी कंपोनेंट वन बाय वन, एक एक करके हम सारे कंपोनेंट्स देखेंगे फॉर बोथ इंटर्न्स एज वेल एज फुल टाइम्स। अपार्ट फ्रॉम दैट वॉलमार्ट लैब का जो ऑनलाइन टेस्ट है उसका जो एंटायर प्रोसीजर होता है वो भी मैं बताने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखना एंड डू लाइक द वीडियो एंड लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट कंपोनेंट, दैट इज़ बेस सैलरी। तो बेस सैलरी जो है वॉलमार्ट का दैट इज़ 14.14 लैक्स। सो दिस इज़ फॉर बीटेक स्टूडेंट। ओके, एमटेक के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, एमटेक के लिए इट इज़ 15.19, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। एंड दिस इज़ द सैलरी दैट यू गेट इन योर बैंक अकाउंट आफ्टर ईच मंथ। ईच मंथ इतना नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, डिवाइडेड बाई 12 करोगे, दिस इज़ द सैलरी स्ट्रक्चर फॉर द होल ईयर, जिसको डिवाइड बाई 12 कर देना, दैट इज द अमाउंट दैट यू विल बी गेटिंग एवरी मंथ इन योर बैंक अकाउंट। ओके, देन यू हैव परफॉर्मेंस बोनस। नाउ परफॉर्मेंस बोनस एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन योर परफॉर्मेंस। सो जो यहाँ पर टारगेटेड परफॉर्मेंस बोनस है दैट इज 2.70 लैक्स फॉर बीटेक एंड 2.90 लैक्स फॉर एमटेक। ये टारगेटेड बोनस है। अब ये वेरिएबल है, इट डिपेंड्स अपॉन योर परफॉर्मेंस। अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है यू विल गेट अप टू 2.5 टाइम्स ऑफ द टारगेटेड बोनस। अगर आपकी परफॉर्मेंस बिलो ग्रेड्स है then you will end up getting zero as your performance bonus. So 0 to 2.5 times. Okay, this is actually the performance bonus. Then you will be getting stocks. Stocks bhi kafi achhe hain. So in the first year, for BTech it is 2.02 lakhs. This is only for the first year. Ye 4 saal wala nahi hai. Pehli saal mein aapko 2.02 lakhs milega for BTech. Aur MTech ke liye aapko milega ye. There is a slight difference, 2.17 lakh. This is for MTech. Okay. Ab, ये जो आपको फर्स्ट ईयर पे आपके RSUs या फिर स्टॉक्स जो मिले हुए हैं, सेकंड ईयर में इसमें 25% इंक्रीमेंट हो जाएगा। मतलब मान लो फर्स्ट ईयर में आपको मिले 2.02, इतने आपने निकाल लिए। ओके, देन नेक्स्ट ईयर आपको 2.53 और मिल जाएंगे। सो इसमें अगर 25% आप इंक्रीमेंट कर देंगे तो 2.53 निकल के आता है। इसमें अगर 25% इंक्रीमेंट कर देंगे तो फिर आपका 3.16 निकल के आता है। थर्ड ईयर में आपको इतने मिलेंगे, फोर्थ ईयर में आपको इतने मिलेंगे। हर साल 25% बढ़ते चले जाएंगे टिल 4 ईयर्स। ओके, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर परफॉर्मेंस। अगर आपकी परफॉर्मेंस बिलो ग्रेड्स है देन यू विल एंड अप गेटिंग जीरो एज स्टॉक्स, और अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है देन यू विल एंड अप गेटिंग 2 टाइम्स ऑफ व्हाट इज मेंशन्ड हियर। जैसे पहली साल में मेंशन्ड है 2.02, आपको इसका डबल मिल जाएगा, मतलब 4 लाख मिल जाएंगे इफ़ योर परफॉर्मेंस इज गुड। ओके, देन नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द ज्वाइनिंग बोनस। सो ज्वाइनिंग बोनस है 2.5 लैक्स फॉर बोथ एमटेक एंड बीटेक। एंड ये जो बोनस है ये आपको मिलेगा पहली मंथ की सैलरी के साथ, ठीक है। एंड इट इज फिक्स्ड, ये कोई वेरिएबल नहीं है, ये कंपोनेंट कोई वेरिएबल नहीं है। सो दीज आर द टू कंपोनेंट्स जो कि वेरिएबल नहीं है। मैं आपको टोटल भी बताऊंगा बाद में, टोटल आपका मिनिमम और मैक्सिमम कितना बन सकता है फिर वो भी आपको बताते हैं। उससे पहले लेट अस टॉक अबाउट क्रायो.डू। सो बेसिकली क्रायो.डू इज अ प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर यू कैन लर्न डेवलपमेंट। तो यार रिज्यूमे में हम लोगों को प्रोजेक्ट्स अगर ऐड करने होते हैं, डेवलपमेंट स्किल्स इंप्रूव करनी होती हैं, तो यार क्रायो.डू एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से आप लोग डेवलपमेंट सीख सकते हैं। यहां पर आपके 3 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज फुल स्टैक डेवलपमेंट। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट में बेसिकली यू गेट टू लर्न अबाउट AWS, Node.js, Mongo, React, HTML, CSS, JavaScript, जितना भी आपका फ्रंट एंड में यूज होता है सारा का सारा सिखाया जाएगा। और उसमें सिर्फ सिखाया नहीं जाता, सिर्फ लेक्चर्स ही नहीं होते हैं, आप लोगों को प्रोजेक्ट दिया जाता है प्रॉपर बनाने के लिए। अब यार यहाँ पर सिर्फ आपके वीडियोस अवेलेबल नहीं होते कि जिनको देख करके आप लोग सीख लेंगे, आपको एक्चुअल रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री वाले प्रोजेक्ट्स पे काम कराया जाता है एंड उससे आप लोग यहाँ पर सीखते हैं। देन सेकंड प्रोग्राम इज दी बैकएंड प्रोग्राम, जहाँ पर यू लर्न जावा, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग डेटा, AWS, डॉकर, जितना भी हमारा बैकएंड में यूज होता है आपको यहाँ पर सेम तरीके से प्रोजेक्ट्स पे काम करा करा करके सिखाया जाता है। देन द थर्ड प्रोग्राम इज दी फेलोशिप प्रोग्राम विच गारंटीज यूर प्लेसमेंट। तो बेसिकली इट इज अ प्रोग्राम जहां पर आप लोगों को ओवरऑल प्लेसमेंट रेडी बनाया जाता है एंड एट द एंड आपकी प्लेसमेंट की गारंटी भी ली जाती है। अब यहाँ पर क्रायो.डू ने कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी भेजे हुए हैं, तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाना है। यू विल रीच टू दिस पेज, यहाँ पर आप लोग अगर अपनी ईमेल आईडी एंटर करते हैं देन यू विल बी एबल टू अनलॉक दीज गिफ्ट्स, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को एक फ्री गाइड फॉर योर मिनी प्रोजेक्ट मिल जाएगी जो आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं। देन यू विल गेट टिप्स फॉर योर रिज्यूमे, देन टिप्स फॉर योर इंटरव्यूज। तो लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, यू कैन गो एंड अनलॉक दीज गिफ्ट्स। नाउ लेट अस प्रोसीड अहेड विद द वीडियो। नेक्स्ट आर द बेनिफिट्स। अब ये जो बेनिफिट्स हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा मेडिकल इंश्योरेंस,
और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, लीव पॉलिसीज मिल जाती हैं, और जो लोग मैरिड होते हैं उनके लिए काफ़ी सारी यहाँ पर अच्छे अच्छे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द मेडिकल इंश्योरेंस। यू विल गेट 5 लाख मेडिकल इंश्योरेंस बोथ एमटेक एंड बीटेक, एंड इस पर थोड़ा सा टॉपअप वगैरह लगा करके आप अपने पेरेंट्स को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिनिमम एंड द मैक्सिमम दैट यू कैन गेट। ओके, उसके बाद हम लोग इसके फिर जो प्रोसीजर है उसकी बात करेंगे, फिर हम लोग इंटर्न्स की बात करेंगे। नाउ द मैक्सिमम दैट यू कैन गेट हेयर इज 46। आप लोग खुद कैलकुलेट कर लेना कैसे मैक्सिमम आ रहा है, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, वेरीफाई करके मेरे को बता देना सही है गलत है। 46.74 लैक्स दिस इज योर मैक्सिमम दैट यू कैन गेट। ओके, अगर हम 4 साल के CTC की बात करते हैं तो देन द मिनिमम दैट यू कैन गेट इज, मैंने सारा ये जो स्टॉक्स वाला पार्ट है बिल्कुल हटा दिया है, देन परफॉर्मेंस बोनस बिल्कुल हटा दिया है, ज्वाइनिंग बोनस रखा है एंड बेस सैलरी रखी है। सो द मिनिमम दैट यू कैन गेट इज 16.64, दिस इज द मिनिमम। ठीक है, ये बिल्कुल मिनिमम है, और ये क्या, ये तो आपको पहले साल में मिलने वाला है, बिकॉज इतना भी आपको पहले साल में मिल जाएगा और ये भी आपको पहले साल में ही मिल जाएगा 16.64। इसमें क्या इंक्लूडेड है, इसमें बेसिकली आपका फर्स्ट ईयर का एंटायर कंपोनेंट इंक्लूडेड है, प्लस बाकी के 3 साल के स्टॉक्स इंक्लूडेड है, तो वो हटा देंगे तो आपका फर्स्ट ईयर का अलोन जो CTC है वो आ जाएगा। सो दिस इज इट फॉर द फुल टाइम ऑफर्स। नाउ इंटर्नशिप में आपको फॉर BTech यहाँ पर 2 महीने की और 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, तो 2 महीने की इंटर्नशिप में भी और 6 महीने की इंटर्नशिप भी पर मंथ आपको 80,000 मिल जाता है फॉर BTech। फॉर MTech अगेन 2 महीने की और 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, पर मंथ आपको मिल जाता है 90,000। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट बेसिकली 100 मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स होते हैं आपके MCQs के, जिसमें आपके कंप्यूटर फंडामेंटल्स के MCQs आते हैं एंड कुछ कुछ प्रोग्रामिंग आउटपुट वाले MCQs आते हैं। देन 50 मार्क्स होते हैं आपके कोडिंग के, कोडिंग क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर। तो काफ़ी सिंपल टेस्ट होता है, टेस्ट का जो डिफिकल्टी लेवल होता है दैट यू कैन से मीडियम, हार्ड नहीं होते हैं क्वेश्चंस, मीडियम लेवल के ही रहते हैं। एंड फंडामेंटल्स वगैरह थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना और अपने बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गो के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेना। बाकी जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेट अस मीट इन अनदर वीडियो। थैंक यू।